हाय फ्रेंड्स वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल्स पर ये हमारा सेट नंबर फिफ्टीन है और आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और मोस्टली क्वेश्चनों का रिविजन करेंगे ठीक है ये क्वेश्चन सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके रिविजन्स के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे हो सकता है आप रिविजन ना करने की वजह से आप भूलते हो ठीक है कुछ पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में आप वीडियो को स्किप ना करना या आपके भले के लिए ठीक है ये क्वेश्चन ऑल स्टेट के जितने भी सी एग्जाम्स होते हैं ए एन स्टाफ नर्स एग्जाम्स के लिए यूपी पी तरपल एस सी एन एम एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसके अलावा बी एस सी नर्सिंग पोस्ट बी एस सी नर्सिंग के इंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए एम पी एच डब्ल्यू बी एफ यू एच एस नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए बिहार एन एम उत्तर प्रदेश एन एच एन एच एम एंड एम पी एन एच एम राजस्थान सी एच ओ उत्तराखंड एन एच एम एम पी सी एच ओ और जितने भी आर्मी नर्सिंग से आर्स बी एस एफ नर्सिंग एक इंटरेस्ट एग्जाम्स होते हैं नर्सिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एम्स नर्सिंग एंड पी जी आई नर्सिंग ओके चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर आप पहला पढ़ें फिर आंसर बताएँ और लास्ट में बताएँ आपने कितने क्वेश्चन सही किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसी वह वस्तु या परिस्थिति का गलत अर्थ लगा लेना होता है वट इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और सिचुएशन आपको बताना है क्या होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा क्या होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा एलिजन क्या होगा भ्रांति कहा जाता है ठीक है और हिंदी में से भ्रम भी कहते हैं क्या कहते हैं भ्रम तो ये लिखा है किसी बाह्य वस्तु या परिस्थिति का गलत अर्थ लगाना ना हो सकता है जैसे कि मान लो कि आप कमरे के अंदर हैं एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे आप कमरे के अंदर हैं आपको लग रहा है कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है ठीक है बट आप देखते हैं वहाँ जाके कोई नहीं मिलता है तो एक तरह का भ्रम हो सकता है ठीक है माइंड एल्यूजन हो सकता है ठीक है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ओके तो ये मेंटल हेल्थ से लिया गया क्वेश्चन है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर यह है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर आप दूसरा पढ़ें फिर आंसर बताएं बच्चों द्वारा हाथ से लिखने की समस्या को क्या कहते हैं व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ हैंड राइटिंग बाई चिल्ड्रेन कॉल्ड क्या कहा जाता है आपको सेलेक्ट करना है राइट right आंसर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन दो पॉइंट है इन्हें हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में नीचे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्या ये लिखा है डिस्ग्राफिया कहा जाता है क्या कहा जाता है डिस्ग्राफिया बच्चों द्वारा हाथ से लिखने की समस्या जो बच्चे होते हैं अगर उनसे बोला जाता है कि आपको ए लिखना है तो ए की जगह वो क्या करते हैं बी बना देते हैं या बी लिखना है तो सी बना देते हैं या राइटिंग को अच्छे से लिख नहीं पाते ठीक है तो इसे क्या कहते हैं इसी को डिस्ग्राफिया कहा जाता है जो ग्राफ्टिंग होता है या ग्राफिंग होता है वो अच्छे से नहीं कर पाते ठीक है तो इस तरह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर माना जाएगा या होगा ओके okay. अब एक पॉइंट और लिखा गया है इसे आप समझेंगे ये पहले देख पहले बात डिटेल्स में थोड़ा देख लें डिस्ग्राफिया इज़ अ टर्म्स डेट रिफर टू ट्रबल विथ राइटिंग ठीक है लिखने में प्रॉब्लम ये लिखा है ट्रबल विथ राइटिंग का मतलब होता है लिखने में समस्या फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा है डिसलैक्सिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में ये लिखा है आर लर्निंग डिसऑर्डर करैक्टराइज बाय डिफ़िकल्टी रीडिंग ठीक है डिफिकल्टी इन रीडिंग या डिफिकल्ट रीडिंग ठीक है डिफिकल्टी इन रीडिंग ओके तो ये वर्ड सही होगा तो उनको क्या होता है डिसलेक्सिया में उनको पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है क्या होता है पढ़ने में जनरली थोड़ा बहुत कभी कोई डिफिकल्ट वर्ड पढ़ जाए तो वो एक आम बात होती है लेकिन क्या होता है और कुछ क्या होता है डिकलेक्सिया होता है वो पढ़ते हैं यहां पर है, लेकिन यहां का बोलते हैं ठीक है और हमेशा ऐसा करते हैं ठीक है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो में भी हो सकती है सभी को ठीक है लेकिन यहां पर बताया गया है, है देखिए डिस्ग्राफिया का मतलब होता है ट्रबल विथ राइटिंग इतना पॉइंट है लिखना है आपको नेक्स्ट है डिक्लेक्सिया इसका मतलब होता है डिफिकल्टी इन इन रीडिंग ठीक है ये लिखने में समस्या ये है पढ़ने में समस्या ठीक है डिसलेक्सिया ठीक है पढ़ने में समस्या और ये क्या है डिसग्राफिया ट्रबल विथ राइटिंग मतलब आ, लिखने में समस्या ओके तो दोनों पॉइंट अलग अलग है इन्हें आप अलग अलग समझेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर आप तीसरा पढ़े फिर आंसर बताएं अगोरोफूबिया निम्न में से एक भय है आपको बताना है कौन सा भय है ठीक है अगोरोफीबिया इज वन ऑफ दी फॉलोइंग फियर्स किस प्रकार का भय माना जाता है अगोराफीबिया काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप सेलेक्ट करें राइट आंसर अगोराफूबिया से रिलेटेड आ, किस प्रकार का ऊंचाइयों का ए, खुले स्थानों का डर या भय या जानवरों का भय ठीक है आ, ये लिखा है बंद स्थानों का डर तो किसका होता है ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ओपन प्लेसेस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन बी ओपन प्लेसेस का जो डर होता है उसे अगरव फूबिया कहा जाता है ठीक है कई बार ट्रिक में भी बता चुका हूँ ठीक है इसको तो आप समझने का प्रयास करें खुले स्थानों से जिसे डर लगता है या कोई आ... देखिए खुले स्थानों का डर मतलब ये होता है कि कोई भी एक समुदाय एक कास्ट या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर या जानवर हो एनिमल्स हो ह्यूमन्स हो कोई भी कहीं पर है उसे लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई आक्रमण कर देगा अगर मैं सो जाऊँगा या मैं यहाँ पर रहूँगा तो कोई किसी से डर होता है ठीक है या कोई उनके आक्रमण कर सकता है उन्हें नष्ट कर सकता है या उनका तहस नहस कर सकता है तो इसे अगर कहा जाता है ओके ऑप्शन बीस का राइट आंसर है नेक्स्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर पर पूछा गया यदि किसी दवा को बिना पानी के साथ सॉरी पानी के साथ देना हो तो कैसे दर्शाएंगे कमेंट करें यदि किसी दवा को देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होगा यहाँ पर यह डिलीट किया जाएगा कट किया जाएगा यदि किसी दवा को पानी के साथ देना हो यहाँ से इंग्लिश से विथआउट हटाया जाएगा ठीक है ये गलत टाइपिंग है ठीक है यदि किसी दवा को पानी के साथ देना हो तो कैसे दर्शाएंगे यहाँ पर इंग्लिश में विदाउट को काट के बाकी मतलब समझेंगे ये लिखा इफ़ मेडिसन इज़ टू बी गिवन विथ वाटर कहेंगे ठीक है विदाउट वाटर नहीं कहेंगे विथ वाटर हाउ विल इट बी सोन इसे कैसे दर्शाया जाएगा कैसे दिखाया जाएगा बिना पानी नहीं है यहाँ पर कट करना है आपको ठीक है पानी के साथ अगर कोई भी दवा डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में देता है तो आप उसे किस तरह दर्शाएंगे ऑप्शन सी का राइट आंसर है एस इक्वा क्या होता है ऑप्शन सी का राइट आंसर है एस इक्वा ओके पानी के साथ इसे दर्शाया जाएगा ओके चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर यह है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर आप फाइव पढ़ें फिर आंसर बताएं और बताएं और लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए निम्न में से किसे पांचवा वाइटल साइन माना जाता है विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसीडर एज द फिफ्थ वाइटल साइन ठीक है फिफ्थ का मतलब है पाँचवा नंबर का वाइटल साइन माना जाता है कंसीडर किया जाता है आप यहाँ पर सिलेक्ट करें विच ऑफ दी फॉलोविंग इज कंसीडर एज दी फिफ्थ वाइटल साइन ओके पाँचवा वाइटल साइन कैसे माना जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे ओके okay? ऑप्शन का राइट आंसर होगा पेन दर्द को ठीक है दर्द को या पेन को कंसीडर किया जाता है माना जाता है पाँचवा साइन क्या माना जाता है पाँचवा वाइटल साइन माना जाता है पाँचों हम देखते हैं नीचे डिटेल्स दी गई है आप इसे ज़रूर देखिए ठीक है यहाँ पर फाइव मेंशन किए गए हैं आपके लिए ये लिखा है वाइटल साइन देयर आर फाइव वाइटल साइन कितने होते हैं पांच वाइटल साइन होते हैं पहला ये लिखा है बॉडी टेम्परेचर होता है दूसरा यहाँ पर मेन्सन किया गया है ब्लड प्रेशर क्या मैंसन किया गया ब्लड प्रेशर तीसरा यहाँ पर मेन्सन किया गया रेस्पायरेटरी रेट चौथा यहाँ पर मेंशन किया गया हार्ट रेट और ऑब्लिक करके पीआर लिखा गया है और पांचवा यहाँ बताया गया है पेन क्या बताया गया है पांचवा पेन बताया गया अब थोड़ा समझ लें इसे जैसे कि यहाँ पर मूवमेंशन किया गया है बॉडी टेम्परेचर लेकिन बीपी को ब्लड प्रेशर को कई जगह इसे कंसीडर नहीं किया जाता वाइटल साइन के रूप में लेकिन फिर भी इसी की जरूरत पड़ती है इसलिए वाइटल साइन माना जाता है ठीक है क्योंकि इसका साथ में काम किया जाता है इसलिए वाइटल साइन माना जाता है तो बॉडी टेम्परेचर ब्लड प्रेशर रिस्पायरेटरी रेट ये हार्ट रेट और पी रेट पी रेट का मतलब है कि पल्स रेट लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा पल्स रेट तो आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे क्यों ध्यान रखेंगे जैसे कभी कभी क्या होता है हार्ट रेट लिखा जाता है तो पल्स रेट नहीं लिखा जाता अगर पल्स रेट लिखा जाता है तो हार्ट रेट नहीं लिखा जाता क्योंकि जो एच रेट होती है और पल्स रेट होती है पी रेट ठीक है पल हार्ट रेट ये लिखा है ये लिखा है पल्स रेट ये आपस में बराबर होते हैं कितने होते हैं आपस में लगभग लगभग बराबर होते हैं जैसे कि जो आपकी जो हृदय की धड़कन होती है उसी से नारी दल माप ली जाती है ठीक है कई जगह क्या होता है जो आपका एच आर रेट होता है हार्ट रेट इज कल टू पल्स रेट ठीक है हार्ट रेट जितना होता है उतना ही पल्स रेट होता है अगर आप अच्छे से काउंट करेंगे नारी दर जितनी होती है कहा जाता है हिंदी में हृदय की दर और नारी दर लगभग क्या होती हैं आपस में दोनों क्या होती हैं बराबर होती हैं ठीक है थीके? तो ये जो पी आर लिखा है पी आर का अगर आप मतलब लिखेंगे तो पल्स रेट लिखेंगे क्या लिखेंगे पल्स रेट आप लिखेंगे यहाँ पर ठीक है तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे हार्ट रेट एंड पल्स रेट लास्ट में लिखा है पेन ओके okay? तो ये पाँचों दिए गए हैं आपके लिए वाइटल साइन ओके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है इनके अलावा जो दि, नहीं दिया जाता कभी ऑल ऑफ दी एबअप करके पूछा जाता है कभी इनमें एक्सेप्ट वाला ऑप्शन पूछा जाता है एक्सेप्ट का मतलब है कि तीन एक जैसे होंगे एक पूछ लिया जाता है अलग से ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे इनके अलावा जो होगा वो आपका आंसर माना जाएगा तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर चैनल पर नहीं से सब्सक्राइब करना लाइक करना हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ठीक है हम आपसे जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड थैंक यू बाय टेक केयर्स ओके और जो लोग पी डी एफ नोट्स परचेज करना चाहते हैं हमारे नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर मैंसन किया जाएगा वो लोग अपना नाम एड्रेस मेंशन करेंगे ठीक है किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो नोट पी डी एफ नोट्स परचेज कर सकते हैं ओके किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन में समस्या आई हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे ठीक है नीचे कमेंट बॉक्स खुला है और व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन किया जाता है आपके लिए और जो लोग एएनएम के लिए यूपी पी त्रपलसी ए एन के लिए पेड क्लासेस लेना चाहते हैं कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है ठीक है तो वो लोग पेड क्लासेज ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस उनके पढ़ाया जाएगा जैसा कि उनका सिलेबस है ठीक है ओनली ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओके तो केवल जो एन एम कैंडिडेट हैं उनके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है ओके चलते हैं जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर फ्रेंड थैंक यू बाय टेक केयर्स और अगर इस चैनल्स पर नए से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको यहाँ से आपका रिविजन सुतरेगा अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड ओके चलते हैं बाय टेक केयर्स